हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं करेगी, नहीं करेगी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं करेगी, नहीं करेगी। जेट के पावर एम्प्लॉई यूनियन जिंदाबाद, और जेट के पावर एम्प्लॉई यूनियन जिंदाबाद। और नहीं मंजूर जॉइंट वेंचर, नहीं मंजूर, नहीं मंजूर जॉइंट वेंचर, नहीं मंजूर, नहीं मंजूर। एम्प्लॉई भाई भाई, और जेट के एम्प्लॉई यूनियन जिंदाबाद, और जेट के एम्प्लॉई यूनियन जिंदाबाद। मेहनत हमारी बड़ी लूट तुम्हारी नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। पावर एम्प्लॉई यूनियन जिंदाबाद, और जेट एम्प्लॉई यूनियन जिंदाबाद। एम्प्लॉई एम्प्लॉई भाई भाई। मैं मीडिया वालों का बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने उनके आपके माध्यम के जरिए हम अपनी जो बात है ये एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हायर अथॉरिटी जो स्टेट यूटी की है उन तक बात हम पहुंचाना चाहते हैं। आज पावर एम्प्लॉयज एसोसिएशन की एक जो बाइकॉट, वर्क बाइकॉट ये स्ट्राइक है, ये आज स्टार्ट की है हमने। वो इसलिए कि हमने 2019 में हमारी जेके पीडीडी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हम दो तीन कॉरपोरेशन में ये इन्होंने बांट दिया गया। उसके बाद ऐसा होता है जब 2019 में ये बनती हैं, कॉरपोरेशनें बनती हैं, तो हमारे साथ कुछ वादे किए जाते हैं। जैसे नीड बेस का मेन मसला था, उनको परमानेंट करने का था। उसके बाद हमारे खुद के जो थे रेगुलराइजेशन का मसला था वो इन्होंने बोला। उसके बाद हमारा जो पे वाला मसला था कि इसको रेगुलर बेस पे करना था, ये सारे मसले तो एक साइड रह गए। मगर उसके बाद इन्होंने ये क्या किया कि आज अचानक बिहाइंड द किसी को मतलब उसमें लिए बिना इन्होंने एक और दूसरा नया सिस्टम शुरू कर दिया, वो है बिल्कुल ही प्राइवेट करने का सिस्टम। तो ये प्राइवेट करना चाहते हैं 50-50 शेयर के साथ, पावर ग्रिड के साथ, जो कि हमें बिल्कुल नामंजूर है। इन्होंने सेम सिस्टम किया था हमारा चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट के साथ, वहाँ भी हमें 50-50 ये इन्होंने डिवाइड करके तो वो शेयर रखा था। आज हालत ऐसी है कि जैसे चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट में हमारा कोई भी जो पीडीडी का मुलाजम है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मुलाजमत तो दूर की बात, वहाँ पे एग्जिस्टेंस जो है वो हमारी शो नहीं हो रही है। लिहाजा जैसा हाल चिनाब वैली में होना है, हो गया है, वैसा ही हमें ये खदशा आने वाले टाइम में कि ऐसा ही हमारे साथ ये इसमें ये जॉइंट वेंचर जो करना चाहते हैं तो इसमें होगा। हमारी जो पे का मसला था वो एज अ रेगुलर एम्प्लॉय हमें पे नहीं आती, कभी डिले होती है, कभी दो दो महीने डिले होती है, हमें वो एज अ ग्रांटिंग एड में दिया जाता है। बल्कि जबकि दूसरा जो सिस्टम है एज अ रेगुलर एम्प्लॉय उनको एज अ बजटरी सिस्टम में दिया जाता है, पे उनकी बजट के हिसाब से आती है। हमारा ये क्या है ग्रांटिंग एड के सिस्टम में, मतलब हम भीख मांगेंगे। हर एक मुलाजम जो है यहाँ पे पावर एम्प्लॉय 24x7 काम करता है, उसको कोई छुट्टी नहीं होती है। समझो 10-15 घंटे पहले वो ऐसे फील्ड में रहता है, जब बाकी के जो टाइम बचता है घर में उसमें भी वो फोन पे ही ऑलमोस्ट बिजी रहता है, उसके घर का मतलब निज़ाम भी डिस्टर्ब रहता है। लिहाजा आज ये पावर एम्प्लॉय की जो स्ट्राइक है ये एक इंडेफिनेट कॉल पे चलेगी। इसमें किसी किस्म की अगर कोई ब्रेक डाउन होता है, कोई फॉल्ट अगर होता है, कोई कहीं ये किसी किस्म का रिपेयर यहाँ पे नहीं किया जाएगा। इसी बुनियाद पे जब तक फायर जो है हमारी एसोसिएशन इसके हिसाब से जब कॉल आती है, अगर आपकी डिमांडें पूरी नहीं हुई तो कंटिन्यू ये स्ट्राइक कंटिन्यू चलेगी जब तक हमारी डिमांड को मीटअप नहीं किया जाता। हम सबको ये बताना चाहते हैं कि हमारे बेसिक जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है। अभी हमारा जो एम्प्लॉय है वो 24x7 काम कर रहा है, जबकि हर एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता है और हमारा एम्प्लॉय 24 घंटे काम कर रहा है। हमारे नीड बेस हैं जो 20-20 साल से यहाँ पे विदाउट वेजेस काम कर रहे हैं। ये सॉर्ट आउट मसला नहीं किया गया, ये जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है। अब आपकी लाइट जाती है तो आपके लिए ग्रीवेंसीज है, हमारे लिए को हमारा रेवेन्यू नहीं दे रहा, हमारे लिए कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को बेसिक से चलना था, उन्होंने बेसिक छोड़ा, ग्राउंड छोड़ा, ऊपर से नीचे आए। पहले इन्होंने हमारा पीडीडी से जेपीडीसीएल बनाया, उसके साथ कुछ वायदे किए गए, उन वायदों में वो खरे ना उतरे, ना उन वायदों को उन्होंने साइड पे रखा। एक कारपोरेशन के बाद दूसरी कारपोरेशन, जबकि वो कारपोरेशन बनती नहीं है। हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो है उसमें लॉसेज ऑलरेडी है ही नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है ही नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी आगे मेंटेनेंस में, डिस्ट्रीब्यूशन में। उन्होंने वो कुछ नहीं देखा है और सारा कर दिया। अब ये पूरा जैसे 51-49 कर रहे हैं, ये किस मतलब यूजलेस है, इसका जरूरत ही नहीं थी और इन्होंने उठा के वो कर दिया। अब हमारा यहाँ पे जो भी है, हमारी जो एसोसिएशन है उसकी कॉल से हो रहा है,
वो जो भी बातचीत है वो कर रहे हैं। जैसे ही बातचीत एडमिनिस्ट्रेशन से होगी तो वो कॉल ऑफ करेंगे, तभी हम कॉल ऑफ करेंगे, नहीं तो हमारी इनडेफिनेट स्ट्राइक है और हम हर उस हद तक जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल का सवाल है, हमारी फ्यूचर जनरेशन का सवाल है, हमारे एसेट का सवाल है और हमारी अपनी जो जिंदगी यहाँ बितानी है, जो बंदे बिता चुके हैं उनके हकूक का सवाल है। इसलिए हमारे जितने भी नीड बेस हैं, आप देखो बारिश होगी, स्नोफॉल होगी, गर्मी होगी, रात होगा, दिन होगी, जो भी होगा हमारा जो एम्प्लॉय है वो 24/7 काम करता है। अप्रिशिएट करने के बजाय उसके सारे हकूक आए दिन, हर दिन आस्ता आस्ता उसके जो हकूक हैं वो उसे छीन लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार से कोई ऐसे वे हम कोई ये नहीं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये डिसाइड करेगी हमारी एसोसिएशन बॉडी। उन्होंने बोला है कि हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखा है, उसी पीसफुल प्रोटेस्ट के तहत हमारे सारे एम्प्लॉय आप देख रहे हो ये गैदरिंग में हम बैठ गए। अब इसका क्या फैसला लेना है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब करेंगे, जो भी वो हमें आदेश देंगे। हम सरकार से आपके माध्यम से गुहार लगाते हैं कि हमारा फ्यूचर है जो, इसको नकारो मत, हमें भी कुछ फ्यूचर हमारा दिखाओ, हमारे जो बच्चे हैं आगे आने वाले हैं, जो इंजीनियर हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है, लोग इतने कॉलेजेस भी खोलने का फायदा क्या है, इतने इंजीनियर तैयार हो रहे हैं और उन इंजीनियर को अडॉप्ट करने के लिए हमारे पास जॉब्स है, वैकेंसी है, लेकिन जॉब्स निकाली नहीं जा रही है, किस ना हमारी रेगुलराइजेशन हो रही है, ना हमारे नीड बेसों का कोई फ्यूचर नहीं है। देखो ना, एक बंदा अगर आप 6,000 में काम करता है उसके घर में पूरा घर उसके साथ चलता है और वो 24 घंटे काम कर रहा है, वो कुछ और तो कर ही। यहाँ पे आए जैसे हमारे दिलदार जी ने बताया, सुनाज बताया, ठीक है, गवर्नमेंट एक तरह से कहती है लॉसेज आ रहे हैं, हमारे रेवेन्यू के लॉसेज आ रहे हैं। आज जो फैसिलिटियां जो है प्राइवेट कंपनियों को ये गवर्नमेंट दे रही है, यही फैसिलिटी हमें अपने डिपार्टमेंट को दी है, तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू पूरा आएगा, लॉसेज को नहीं होंगे। इसी बेस पे जो है बार बार जो गवर्नमेंट बोल रही है प्राइवेट करने के लिए कह रहे हैं, एक एक हमारे जो नीड बेस लड़के हैं वो स्टेशन चला रहे हैं, वो रेवेन्यू ला रहे हैं, वो लाइनें चला रहे हैं, तो फिर भी इतना काम कर रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट जो ऐसा कर रही है। आज हमारा जो है यूनियन जो है पूरा अमन शांति से काम कर रही है, कल अगर गवर्नमेंट ने अपने ये फैसले वापस नहीं लिए या इसी पे अड़लबाजी रही तो कल हमारे को और रुपया भी हम इख्तियार कर सकते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, एलजी साहब है, उन पे होगी। शुक्रिया जी।